नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गहरी खाई में गिरी टाटा सुमो, दो लोगों की मौत, एक घायल। रुद्रप्रयाग में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सड़क हादसा देर रात हुआ। दुर्घटना का कारण टाटा सुमो का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। टाटा सुमो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। रेंजर्स ग्राउंड में देखी आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी। 6 दिन चलेगी प्रदर्शनी। देहरादून में रेंजर्स ग्राउंड सेंट थॉमस स्कूल के सामने 26 जनवरी को 31 जनवरी तक 6 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से देश की आजादी की यात्रा को दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्र संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। पौड़ी में आतंक का प्राय बना गुलदार, पिंजरे में हुआ कैद, लोगों ने ली इस राहत की सांस। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी के गगवा रस्यू घाटी के लोगों को गुलदार के आतंक से मुक्ति मिल गई है। इस इलाके में दिन दहाड़े दिखाई देने वाला गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग ने 2 सप्ताह पहले गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे, आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। उत्तराखंड मिलेट्स भोज में पहुंचे सीएम धामी, स्टॉलों का किया निरीक्षण। देहरादून में उत्तराखंड मिलेट्स भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। यह भोज मुख्यमंत्री आवास में रखा गया था। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से मंडवा के 0.096 लाख मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी गई है। साथ ही मंडवा का MSP भी घोषित किया गया है। एशिया की सबसे लंबी रोपवे में दरार, अब किया जा रहा है ये काम। जोशीमठ में दरार की वजह से एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर संकट खड़ा हो गया है। अब औली रोपवे की सुरक्षा के मद्देनजर रोपवे प्रबंधन की ओर से काउंटर वेट कम किया जा रहा है। बकायदा इसके लिए रोप सपोर्ट ब्रैकेट भी लगाया जा रहा है। मोहन प्रकाश ने बताया, सत्ता परिवर्तन की यात्रा सरकार को कोसा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मोहन प्रकाश ने आज जोड़ो अभियान के सत्ता परिवर्तन की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत कांग्रेसी घर के द्वार तक हो जाएंगे। उन्होंने तीखा निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना और गरीबों को लूटना है। पाखरो सफारी पर CEC ने सबमिट की रिपोर्ट, तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो सफारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। खास बात यह कि इस रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत को भी अवैध निर्माण और पेड़ काटे जाने के मामले में जिम्मेदार ठहराया गया है। धामी सरकार का बड़ा एक्शन, चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाई गई रजनी भंडारी। चमोली में नंदा राजा यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में करोड़ों की धांधली के मामले में आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को धामी सरकार ने पद से हटा दिया है। 13 साल में हो रही थी शादी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रुकवाया विवाह। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिथौरागढ़ के पपदेव गांव में बाल विवाह को रुकवाया। यहां एक 13 साल के मासूम की शादी करवाई जा रही थी। पूरे मामले में दोनों परिवार की काउंसलिंग करने के बाद CWC को सौंप दिया गया है। ADGLO वी मुरुगेशन को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये पुलिसकर्मी भी होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल पदक के लिए भी नामों की घोषणा हो चुकी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे। धारी देवी के पास खाई में गिरी कार, चालक की बची जान। धारी देवी के पास आज एक सड़क दुर्घटना हुई। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में कार चालक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एक दूसरी घटना में श्रीनगर गणेश बाजार में स्कूटी चालक ने पैदल चले कुलदीप सिंह को टक्कर मार दी, जिसमें कुलदीप की मौत हो गई। आखिरकार इस गांव को नसीब हुई सड़क। निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी। आखिरकार रुद्रप्रयाग के RSU के ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिल गई। जल्दी उनकी पैदल आवाजाही की समस्या दूर होगी। इसके लिए विधायक भरत चौधरी ने डोंगरा RSU सड़क का भूमि पूजन कर दिया है। भूमि पूजन होते ही निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। खटीमा में नो एंट्री टाइम में भी घुस रहे भारी वाहन। खटीमा शहर में बड़े जाम को लेकर प्रशासन की पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि सुबह 8 से 11 और दोपहर 1 से रात 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन इसके बाद भी वाहन शहर की सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कांस खेत में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारी नजर नहीं आए, जिससे लोग काफी नाराज हुए। किशोर उपाध्याय के भाई की पत्नी नाजिया को नोटिस जारी, 11 करोड़ रुपए की होगी वसूली। उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय के भाई सचिन की पत्नी नाजिया को पंजाब नेशनल बैंक ने 11 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। किशोर उपाध्याय के भाई सचिन और उनकी पत्नी नाजिया पर कई मुकदमे दर्ज हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को हाथ लगाने वाला किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, छिड़ जाएगा ग्रह युद्ध। श्रीपंच दशनाम जूना खड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जल्द से जल्द शादी करने का सुझाव दिया है, ताकि उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की संभावना कुछ कम हो सके।
वहीं यतीन हसिया निंदगिरी ने चेतावनी दी है, यदि किसी ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हत्या का प्रयास किया तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। दिल्ली पुलिस का फर्जी एएसआई बन होटलों में करता था मस्ती, एक गलती ने पहुंचाया जेल। उत्तराखंड पुलिस ने फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली पुलिस का फर्जी एएसआई बनकर होटलों में फ्री की दावतें उड़ाता था और फिर होटल वालों को चूना लगाकर फरार भी हो जाता था। आरोपी लंबे समय से ऐसा कर रहा था। हालांकि हरिद्वार में एक होटल संचालक ने उसकी चालाकी पकड़ ली, तभी आज ही आरोपी सलाखों के पीछे है। हरिद्वार की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, कुत्ते बंदरों के आतंक का मुद्दा भी उठा। मेयर अनीता शर्मा और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बुधवार को टाउन हॉल में नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में प्रमुख शहर की सफाई व्यवस्था का मुद्दा प्रमुख रहा। सफाई व्यवस्था के मामले ने जाम आजमा में कांग्रेस की मेयर पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने नगर आयुक्त को घेरने की कोशिश की। इससे पहले ये बैठक 26 दिसंबर 2022 को रखी गई थी, जो हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।